इंसान अपना भविष्य ग्रह नक्षत्रों में ढूंढता है और अपना अतीत जमीन के नीचे। भविष्य संभावनाओं पर टिका है और अतीत मिल रहे एविडेंसेस पर। सिनौली की डिस्कवरी एक कदम और आगे बढ़ती है। एएसआई की टीम को अतीत से जुड़े कुछ और एविडेंसेस मिलते हैं। तलवारों के इस्तेमाल पर उठे सवाल अभी चर्चा के विषय थे कि बरियल संख्या एक में मिले स्केलेटन की डीएनए रिपोर्ट्स एएसआई को मिली, जिससे इस कंकाल की उम्र के बारे में पता चला। इस फीमेल कॉफिन के साथ कई हथियार भी रखे गए थे। ये सिनौली का बरियल नंबर 10 है। ये मोस्ट लाइकली एक फीमेल इंडिविजुअल है। डीएनए एक्सट्रैक्शन जो हुआ है सैंपल्स का, वो इसके एक पेट्रस बोन से हुआ है और यहाँ पे जो टूथ सैंपल्स हैं वहाँ से हुआ है। ये है इसका जो ह्यूमरस बोन और ये रेडियस अल्ना। ये जो हमें दिख रहा है ये बहुत अच्छे कंडीशन में है। इसमें कुछ भी हमें ट्रॉमा या कुछ भी इन्फेक्शंस नहीं दिख रहे हैं, बट ये सैंपल्स हमें जो है फिट दिख रहा है विदाउट एनी डिजीज। ये है इसका फीमर बोन। फीमर बोन से हम जो है हाइट बता सकते हैं, जो कि हमें इसे चल रहा है पता, एवरेज हाइट रही होगी। डीएनए जो रिजल्ट्स है वो मार्जिनल है, बट डेटा सफिशिएंट है, जैसे कि हम ये बता सकते हैं कि जो सिनौली के जो सैंपल्स मिले हैं उनकी एंसेस्ट्री ग्लोबल लेवल पे क्या है। हमने जब कंपेयर किया जो है इन पॉपुलेशन से, तो हमें जो है ये पता चला कि जो एंसेस्ट्री है वो लोकल है, और जो मॉडर्न डे जो जितने इंडियन पॉपुलेशन हैं उनकी जो एंसेस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इनसे जो है लिंक्ड है। बट जो अभी जो फाइंडिंग है उसमें हमें कोई सेंट्रल एशियन कंपोनेंट्स या यूरोपियन कंपोनेंट्स नहीं मिल रहा है। बरियल्स को जिस तरह से डिजाइन किया गया था उसे देखकर कई ओपिनियंस बनी। ओसीपी, बर्तन, पॉट्स, अनाज, तलवारें, कॉपर चैनल जैसी कुछ चीजें इन बरियल्स में कॉमन थी, और हर बरियल में मिली कुछ चीजें यूनिक भी थी। We got beads initially. These are steatite beads. They come in two form, like this and this one. This is terracotta bead. We got figurines. Terracotta figurines and part of necklace. Gold के bangles हमको इतने शानदार मिले कि ऐसे gold कभी हड़प्पा में भी नहीं मिले या किसी दूसरी site पे नहीं मिले। एक 14 वर्ष की नवयुवती का जो हम उसको बाद में प्रिंसेस कहने लगे थे उस लड़की को, क्योंकि उसके गले में बहुत सारे सेमी प्रिंसेस स्टोन और ऑर्नामेंट्स थे, उसके हाथों में गोल्ड के कड़े थे और बहुत सारे ऐसे आभूषण थे जो ये कहते हैं कि वो बड़ी एक रिच लेडी थी। किसी भी खोज में वहां मिली पॉटरीज उस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ सिनौली में मिली पॉटरीज हड़प्पा की सभ्यता से मिलती है, पर रचना और कलाकारी में कई गुना बेहतर दिखती है। फ्लास्क आप देखेंगे बिल्कुल जैसे कंप्यूटर से बनाए गए हैं। बाउल्स बने बहुत सुंदर बाउल जिनमें दृढ़ रखा जा सकता है, घी रखा जा सकता है, अमिक्षा है, दही है, उनकी शेप ये बताती है कि हाँ ये इसी चीज के लिए पात्र बने हैं। बरियल नंबर 10 की बात करें तो दो मिनिएचर पॉट हैं, जिसमें एक फियांस से बना है, दूसरा कॉपर पॉट है। ये एक यूनिक फाइंडिंग है जो और किसी बरियल में हमें नहीं देखने को मिला। Fayans is a complex technology. It's a refractory material or a ceramic material, one can say. It was produced from quartz. But looking into the Fayans manufacture, I definitely feel compared to other late Harappan sites and the Harappan sites, they have evolved a particular kind of edge maybe. Pahli badi khoj, antenna swat. उसके बाद दूसरी बड़ी खोज सामने आई। बरियल्स में शील्ड्स पाई गई। पहली बार देखकर उन्हें शील्ड माना ही नहीं गया। किसी ने इन्हें ह्यूमन टॉर्सो यानी मानव धड़ माना, तो किसी ने शील्ड। ये एक आठ के आकार का या धर के आकार का एक चीज देख रहे हैं, जिसपे ये एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस डिजाइन में। हर स्क्वायर के बीच में एक फ्लावर डिजाइन इनले किया गया है। 2005 के फाइंडिंग में भी लगभग 3 ऑब्जेक्ट मिला था, जिसे ये कहा गया कि संभवतः ये सिंबॉलिक बरियल है, जो मानव पुतल की तरह इसको यूज किया गया। जो 2005 के एक शील्ड था उसको हमने सीटी स्कैन किया, और सीटी स्कैन से जो रिजल्ट्स आए वो बड़े अमेजिंग थे। सीटी स्कैन के बाद ये पता चला कि इसका थिकनेस लगभग 1 इंच का है, और इसके चारों तरफ कॉपर के इनकेसिंग की गई है, और जो लकड़ी लगे हैं वो एक छोटे छोटे पट्टियों में हैं,
और हर पट्टी के साथ उसकी नेलिंग की गई है और उसके टॉप पे जो एंथ्रोपोमॉर्फिक डिजाइन थे ऐसा लगता था कि दो ग्रुप एक साथ वॉर कर रहे हैं। और अगर आप उस सील की बनावट देखें तो छोटी छोटी जो पत्तियां लगाई गई हैं अगर सील के ऊपर हिट किया जाएगा तो वो बेंड तो हो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में शील्ड के डिपिक्शंस हमें मिलते हैं चाहे वो इंडस वैली के सील पे हो या मेसोपोटामिया इजिप्ट उसमें भी, लेकिन पहली बार फिजिकल एविडेंस के रूप में हमें सनौली के बरियर में शील्ड मिले हैं जिससे हम उसके मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को भी समझ पाए, उसके यूजेस को भी समझ पाए हैं। इंटरेस्टिंगली दो तरह के शील्ड हमको दिखाई देते हैं, एक जिसमें स्टेटाइट के इनले हैं डेकोरेशंस किए गए हैं, दूसरा जिसमें कॉपर के डेकोरेशंस किए गए हैं। कॉपर का जो बहुतायत में यूज किया गया है वो मेल बरियल के साथ है और स्टेटाइट का जो बहुतायत में यूज किया गया है वो शायद फीमेल बरियल के साथ। बरियल्स के डिजाइन को समझने के बाद एक्सपर्ट्स की जद्दोजहद ये रही कि वो शील्ड वो तलवारें सिर्फ कलाकारी के लिए थे या किसी युद्ध के लिए। अगर हम पूरे फाइंडिंग को कॉन्टेक्स्ट में देखें, पांच बरियल में वेपन्स और वेपन्स से रिलेटेड चीज़ों का मिलना, तो ये निश्चित रूप से सारी चीज़ें एक ऐसे क्लास का है जो इसको यूज़ कर रही थी। इनकी उन्नत कलाकारी को देखकर इनके कौशल का तो हमें पता चला, पर इनका इस्तेमाल सिर्फ कला को लेकर नहीं था तो क्या ये हथियार युद्ध के लिए बने थे? तो इनसे जुड़े लोग योद्धा भी थे? पर इनसे जुड़ी सभ्यताओं की डिस्कवरीज में योद्धा होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते और अधिकतर सभ्यताएं तो शांति से बिना लड़े जीवन जीने का प्रमाण देती हैं। Definitely, I see the Harappan people as peaceful because we don't have large-scale destruction of any of the Harappan settlement during the 700 years of occupation. Contemporary culture में चाहे वो Indus Valley civilization हो या Mesopotamia और अन्य civilization जो है उसमें जो वेपन्स हमें डिपिक्शंस में दिखाई दे रहे हैं चाहे वो उर के एक्सकवेशन के प्लाक में डिपिक्शन हो उसमें एक लिमिटेड डिजाइंस है वेपन्स का, लेकिन यहाँ सनौली और सनौली से रिलेटेड जो कॉपर होर्ड के ऑब्जेक्ट्स और जगह मिले हैं ऐसा लगता है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी हमारे यहाँ और ये एडवांस टेक्नोलॉजी ये डिनोट करता है कि पॉसिबली दे आर द वॉरियर्स। सनौली की पर्सनैलिटी और जो आइडेंटिफिकेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है इसकी एंटिक्विटी की वजह से कि ये रिसर्च का फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा लोगों के लिए। ये एक एलीट वॉरियर्स हैं जिनके साथ इतनी एडवांस क्राफ्टमैनशिप की चीज़ें बरीड की गई हैं जो पहले के एक्सपीडिशन में भी है। वहाँ बहुत सारी मिलिट्री वाली सोर्स मिली थी, गिटागर मिले थे, जो दिखाई दे रहा है तो वॉरियर क्लैन लगते हैं। एक बरियल तो हमको ऐसा मिला है कि लगता है कि उसकी डेथ कहीं और हुई, सील के कुछ पार्ट मिले कुछ नहीं मिले, लेकिन वो लाके वहाँ दफन कर दिए गए और उसके वेपन वहाँ रख दिए गए और वेपन को भी खड़ा रखा गया, जैसे एंटीनस सोर्ड को ऐसा खड़ा करके रखा हुआ है जैसे कोई योद्धा लड़ता हुआ मारा जाता है। मेरी समझ ये है, मेरा ये मानना है कि ये इंडिकेट करती है कि ये आदमी बड़ी बहादुरी से लड़ा और वो उसको उसकी शौर्य गाथा को ये सोर्ड बयान कर रही है, बता रही है। पुरुषों के योद्धा होने की मान्यता तो विवादित है, सभी एक्सपर्ट्स उनके होने ना होने की बात करते हैं, कोई उन बातों की पुष्टि नहीं करता, पर उन सवालों का क्या जो फीमेल बरियल्स में मिले हथियारों से उठे हैं? उन बरियल्स में वेपन्स का मिलना यह दर्शाता है कि आज से 4000 साल पहले महिलाएं भी पुरुषों की तरह योद्धा थीं, या ये सिर्फ एक कल्पना है? वैसे पुष्टि करना इतना आसान भी नहीं। जो हमें 10 बरियल मिले हैं उसमें विमेन के जो 3 बरियल हमें मिल रहे हैं उसके साथ वेपनरी का मिलना इस ओर इंगित करता है कि पॉसिबली दे आर ऑल्सो अ वॉरियर।